हम मुझसे बड़ी चार थी, तो जब मैं हुई तो everybody was crying कि पांचवी बेटी हो गई। बचपन से सुनते, पहले बचपन में इस वेयर जब मैं ये सुनती थी मेरे घर वालों को भी नहीं पता और मैं इतनी हर्ट हो जाती थी कि यार मेरे पैदा होने पे रोए थे। अब तो आई एंजॉय इट बिकॉज एवरीबॉडी लव मी सो मच, सो नाउ आई एंजॉय कि ये उनका एक मोमेंट था बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग एंड नाउ आई रियल फील एट सम पॉइंट्स दिस इज अ वेरी इमोशनल थिंग। जब मैं छोटी थी कोई मुझसे पूछता था कि आपका भाई नहीं है कैसा फील होता है, तो मैं कहती थी यार सही है, आई डोंट केयर, बट नाउ आई रियली डू केयर कि मेरा भाई क्यों नहीं है। एंड वो भी उस टाइम पर जब वो ये सोचती होंगी कि हमारा भाई हो जाता, सो इसकी बहुत सारी रीजन है कि भाई ना होने की, बिकॉज वेन माई फादर पास्ड अवे एंड देन इफ यू रियलाइज कि आपका अपना इस दुनिया में मेल मेंबर कोई नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड तो आई कैन फील इट। मेरी बहनों की शादियाँ होंगी, उनके बच्चे हैं आगे, तो उनके तो वो हैं अपने अपने, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड। अब मेरे अब्बा भी नहीं है, तो कोई ऐसा मेल मेंबर नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि वो मेरा अपना है। माई ब्रदर इन लॉ दे आर वेरी नाइस वेरी स्वीट, बट एक वो वाली बात नहीं होती जो आपके अपना होता है। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, सो आई कैन नॉट फील दी, आई कैन नॉट कॉल एनी बडी कि यार ये बंदा मेरा अपना है और ये वहाँ पर आकर मुझे इस वो तो बाप और भाई की बात होती है, बाप और भाई। सो नाउ आई रियली फील लाइक कि भाई होना चाहिए था। हाँ, तो वो शायद उस टाइम जो उनको इमोशनल हुए वो इसी बात पे होते हैं। वो तो वैसे ही कहेंगे हम चार काफी एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक और आगे लड़ने के लिए। उनको तो पता है वो क्या है भाई, तो फिर भी यू नो थोड़ा वो उस पर रोक भी जमा सकती थी या उस नखरे भी। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपने एक बात जो बोली ना, आपने ये नहीं बोला कि इट्स बिकॉज के एज अ वुमन आई फील अलोन और फाइनेंशियल ये और ये वो। आपने बोला कि मुझे बस एज अ बहन या एज अ फैमिली मुझे भाई की जरूरत आते हैं। सो आई रियली लाइक दिस जी। आपके आप भी चार बहनों, शायद कभी कभार आपको भी ये फील आता हो आती होगी कि फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसपे आपको ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल ईद है, सो आपके मेल मेंबर्स जाते हैं। अभी तो ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों कितने बच्चे हैं वो सब जाते हैं मेरी बहनों, मतलब एक पॉइंट आता है कि कोई जाता है और नमाज पढ़ के वापस आता है और आपको ईद फील होती है। बिल्कुल। अब अगर आपका अपना कोई नहीं है मेल मेंबर, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर्स नहीं होंगे या भाई भी नहीं होंगे, सो दे कैन आई थिंक सो कि मेरी बात से वो अपने आप को अटैच कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात। तो ये बात, थैंक यू, रियली लव वॉट यू सेड, बिकॉज हम हमेशा वो घर में मेल मेंबर ना होने को ना उसमें ले लेते हैं बेचारी औरत, बट आपने बहुत विच इज सो ट्रू। ये बहुत इमोशनल शायद हो जाए इपल टेल के इस बात की वजह से हमने अपनी बहुत जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। जैसे अभी चलो अब्बा नहीं रहे, अब इस पूरी बात के बाद अब घर में या ओवरऑल अब ना कोई मेल मेंबर नहीं रहा ना, ठीक है, जो होना चाहिए या मेरे लिए या अम्मा के लिए। तो अगर जिंदगी में मैं कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दूंगी ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके सर पे कोई मेल नहीं है, वो कहेंगे कोई आदमी नहीं है ना इसलिए ऐसी है। ये इतनी बातें लोग, जो आपकी कमी है वो आपके मुंह पर ही थप्पड़ मार देंगे कि यार इसके पास ये नहीं है ना, अरे वो तो मेरी कमी है ना, क्या मेरे अब्बा नहीं रहे, मेरा भाई नहीं है, तो आप मुझे एक कॉर्नर दो कि हाँ सिंस कोई नहीं है तो इससे बच्ची से गलती हो जाए कोई तो हम इसको जरा थोड़ा कवर करें। नहीं, वो कहेंगे है ही नहीं कोई तो ये ऐसी है इसलिए। सही बात है। सो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, सॉरी जी, बहुत अच्छे हैं आप सब, बहुत अच्छे हैं, बस आप कॉर्नर कर देते हैं लोग। हाँ, कॉर्नर कर देते हैं, जो उनकी कमियां होती हैं वही आप उनको मारते हैं। अच्छा, तो अब माशाल्लाह से चार बहनें, ऑल फोर ऑफ देम आर मैरिड। यस, आप अकेली हैं जिनकी भी तो दो सवाल आ रहे हैं, पहले कौन सा पूछूं, ये सोच के ये बताएं कि वो जब आप स्क्रिप्ट चूज करती हैं तो दिमाग में होता है कि मैं स्क्रिप्ट चूज करूँ कि बिकॉज बहनों ही हैं, यू नो भांजे भांजियाँ बड़े हो रहे हैं अब, स्पेशली मुझे लगता है बहनोइयों का थोड़ा सा एक रोल होता है पर एक रख रखाव और एक दिमाग में होता है, ये चीज़ अब होती है। ये मेरे ख्याल से कि आई एम योर द फर्स्ट पर्सन जिसके सामने मैं ये बात एक्सेप्ट करूँगी और उनको भी नहीं ये बात पता होगी कि मैं वाकई में उनके बारे में भी सोचती हूँ। बिल्कुल, बिकॉज आप अपने जो बहन भाई होते हैं या अपने, उनके बारे में इतना नहीं सोचते। आप कहते हैं यार मैंने कर लिया, सो व्हाट, पर जब इनडायरेक्ट आपका रिलेशनशिप होता है आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि यार व्हेन दे विल सी उनको क्या लगेगा। मैं यहाँ पे एक बताती हूँ, पिछले दिनों मुझे एक बहुत अच्छी कमर्शियल मिली जो कि बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन वो था दैट बॉडी वॉश सोप था। सो उसमें उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ बाजू इस तरह से दिखाएंगे दैट यू आर टेकिंग शावर, एंड
दे वर पेइंग मी गुड. मैं थोड़ी देर बैठी और सोचा कि यार फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ड्राइंग रूम में चल रहा है and anybody any male member from my house is sitting and they will see or anybody will tell ki ji humne maryam ko dekha and uska ye commercial tha to kya impact aayega bilkul ultimately on tv main I'm taking shower even that covered but that actually giving image ki main shower le rahi hu so I decided ki nahi jhijak to aayegi jhijak aayegi to main nahi karungi aur maine nahi kiya wo so is tarah ki bahut sari cheeze hain jo ki kaam mein yes when I tell people ki main nahi karungi ye to wo kahenge kyun nahi karengi aap actress hain to aap ye karengi main kaha kisne kaha hai ki main actress hu to main ye bhi karungi sahi baat hai it's kisi ya to hamari acting ki puri koi book bani ho jaise lawyers ki hoti hai ki ye iske accordingly aap ye karna padega aapko तो भाई कहीं एक्टिंग की कोई बुक है कि एक एक्टर को ये सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं करती हूँ उसके मुताबिक मुझे जितना काम मिलेगा कर लूंगी जब नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगी सही बात है यू हैव टू बी हैप्पी एंड पीपल अराउंड यू अगर आपको कहीं भी लगे कि एक हल्का सा आप अनकंफर्टेबल है उनको फेस करते हुए आई थिंक दैट शुड नॉट बी मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ काम के यार ये बहुत ऑड ना लगे और अगर मैं अपने घर वालों के बारे में ना भी सोचूं तो मैं अपने बारे में सोचती हूं और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती हूं कि अभी तो मैं ये कर लूँगी सो हो सकता है व्हेन आई वाज लाइक वेरी यंग तो मैं उस टाइम मेरी थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी आज मुझे वो बातें याद आती तो मुझे होता मैंने ये क्यों किया तो अगर आपके मेच्योर होने का क्या फ़ायदा विद द टाइम इफ़ यू विल नॉट रियलाइज कि ये करना और ये नहीं करना तो अगर 5 साल बाद मैं कहूँगी कि मैंने ये क्यों कर लिया तो क्यों ना अभी सही डिसीजन ले लूँ बिल्कुल हर किसी की अपनी बाउंड्रीज होती है मरियम आई थिंक वो हर इंसान इंडिविजुअल जो होता है वो डिफरेंट होता है देखिए हर किसी के लिए कुछ काम है जो कि अच्छा भी होता है उनकी मर्जी है बिल्कुल ठीक है मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे आप नहीं पहनोगे वैसा खाना हम नहीं खाएंगे ना मैं ये कह रही हूँ कि वो गलत है ना मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ मैं तो सबके सामने कहती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ ठीक है मैं वही एग्जैक्टली मैं वही कह रही थी कि वो अपनी अपनी बाउंड्री हर किसी ने लिमिट की लिमिट होती है वी शुड रिस्पेक्ट दैट यू नो वो उसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि कोई सही या गलत है यू नो हां सर यस हर किसी की अपनी होती है दे फील लाइक ओके इट्स फाइन और अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली बात कर रही हूं आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग बट यस क्या मुश्किलें आई और अभी क्या क्या आई थी और अब क्या है अच्छा जब स्टार्ट में आई थी तो तब तो एवरीथिंग वॉज फाइन बिकॉज आप मीडिया में किसी को जानते नहीं हैं और उसके अलावा आपकी फैमिली में से कोई अगर मेरी सिस्टर ने काम भी किया तो बहुत कम कोई ऐसा कोई बड़ा एक्टर नहीं है फैमिली में और आप एक नए बंदे आ जाते हैं और उसको काम मिल जाता है तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है एक से दूसरा दूसरे से तीसरा प्रोजेक्ट मिल गया और लोग तारीफ भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्करेज भी करते हैं कि तुम तो एक्टिंग कर ही नहीं सकते ये नहीं करते वो एक्चुअली आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती आपको तो अपने से अच्छा कोई नहीं ना लगता आपको तो ऐसा लगता है मैं एक्टर भी सबसे अच्छा हूँ मैं देखने में भी सबसे प्यारा हूँ अगर आप है या नहीं लेकिन ये एक ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है तो फिर उसके बाद मैं आई तो मुझे शुरू शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया इन स्टार्ट कुछ लोगों ने कहा कि तुम ये वाला कैरेक्टर मत करना तुम ये वाला करना तुम्हारे करियर के लिए ख़राब होगा क्योंकि मे बी यहाँ पर आते साथ कुछ ऐसा होता है ना कि अगर आपको हीरोइन बनना है तो आते साथ आप ये वाला कैरेक्टर करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा भाई मैं प्लेट में कोई तो मेरे लिए लेकर नहीं फिर रहा होगा ना आई विल टेल पीपल दैट आई कैन एक्ट तो ओके मे बी उनको मैं नजर आऊंगी लेकिन लोगों को थोड़ा कम नजर आता है क्या कर सकते हैं ठीक है तो ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे आई लव माई फैंस वो आपको लिखते मैं कहीं पे मेरी पिक्चर लग जाए कुछ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे लोग यही लिखते हैं कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस व्हाई डोंट यू डू एनी वेरी यू नो लीड कैरेक्टर बिल्कुल हीरोइन क्यों नहीं बनकर आती हैं भाई मेरे हाथ में नहीं है वो या तो कोई प्लेट में लेके फिर रहा हो या मैं किसी को जानती हूँ मैं किसी को कहूँ कि यार आप मुझे मेरी आपने एक्टिंग तो देख ली है ना मैं जिस भी प्रोजेक्ट में काम करती हूँ अच्छे मुझे हमेशा रिव्यूज़ आए हैं तो अब उनको नहीं नजर आ रहा तो मैं उसके लिए क्रेजी नहीं हो सकती हूँ आई कैन वेट फॉर द राइट टाइम जब यहाँ तक आ गई तो आगे भी चली जाऊंगी बट आई विल नॉट आस्क एनीबॉडी के आप मुझे हीरोइन बनाएं आप मुझे ये या मुझे क्यों नहीं हीरोइन बनाएं कोई नहीं वो फिर आप क्रेजी होना शुरू हो जाते हैं जब आप क्रेजी हो जाएंगे तो फिर आपके लिए अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रहेगी आप कहोगे कि बस मुझे हीरोइन बनना है मरीम लेकिन आपने बीच में कुछ तो लीड रोल्स किए हैं मैंने काफ़ी किए हैं लीड रोल्स पैरेलल लीड किए हैं मेरा मैंने देख अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं आई एम सेटिस्फाई कि मैंने जितना काम किया है वो बड़ा अच्छा किया है पैरेलल लीड किया है लीड भी किया है और अगर मैंने कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं तो वो बहुत मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं तो लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फैंस को लगता है कि नहीं मुझे इससे भी आगे कहीं आना चाहिए तो आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट वो तो उनका प्यार है ना हाँ ये उनका प्यार है दे लव यू सो मच कि वो चाहते हैं कि आप
अच्छे से अच्छा चीज आपको ऑफर और ज्यादा ज्यादा आप स्क्रीन पे नजर आए इंशाल्लाह वो होगा इंशाल्लाह। सो आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस कि अगर मेरी देखिए यहाँ पे आना भी इट वाज माय डेस्टिनी, अगर आगे भी लिखा होगा तो आ जाएगा।